नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का हुआ आगमन, बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आगामी लोकसभा 2019 चुनाव तथा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम योगी ने की मैराथन बैठक। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर ने वार्डों का किया निरीक्षण, बिना सेफ्टी किट के काम कर रहे सफाई कर्मियों को देख हुई चिंतित, कहा गोरखपुर में नहीं है सफाई व्यवस्था दुरुस्त। बुधवार को बेलीपार थाना क्षेत्र के बलवरिया में हुई हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने किया हाईवे पर शव रखकर जाम। एसपी दक्षिण विपुल कुमार श्रीवास्तव ने आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर खुलवाया जाम। बेलीपार थाने में तैनात उप निरीक्षक महेंद्र मिश्रा को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया निलंबित। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के कर्मचारियों के साथ किया समीक्षा बैठक, कहा सफाई कर्मियों को मिले मिनिमम वेज, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आरपीएफ ने कराया बच्चों के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्य, समस्याएं एवं उनके निराकरण विषय पर सेमिनार। मुख्य वक्ता ने कहा बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था करना प्रत्येक नागरिक का है कर्तव्य। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने आयोजित की प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की सदस्य मंजू दिलेर ने बतौर मुख्य अतिथि किया शिरकत, रिटायर्ड ऑफिसर्स और अधिकारियों के साथ हुआ विचार विमर्श। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिक्षा एवं मूल्य विषय पर आयोजित हुई विशिष्ट व्याख्यान माला, वक्ताओं द्वारा शिक्षा और मूल्य को किया गया परिभाषित। और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य से मिले सफाई कर्मी, बताई अपनी समस्या, मिला उचित कार्यवाही का आश्वासन। अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को आगमन के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस पहुंचे। वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया। मिशन 2019 के मद्देनजर सर्किट हाउस में गोरखपुर क्षेत्र के 8 लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक किए। गोरखपुर, बांसगांव, देवरिया, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, घोसी, लालगंज लोकसभा क्षेत्र से इस बैठक के लिए सांसदों, विधायकों को जिला अध्यक्ष, लोकसभा संयोजक, जिला प्रभारी सहित चुनाव संचालक से जुड़े सभी पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया। 2019 के चुनाव को लेकर सभी जिले के प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हालात उत्पन्न हो रहा है, इसी को भी लेकर इस बैठक में चर्चाएं हो सकती हैं। आगामी लोकसभा 2019 चुनाव तथा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हुई बैठक की प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्षता की। अधिकारियों से बोला हमारा और कोई उद्देश्य नहीं होता, उधर रास्ते में मत जाना है।
श्रीमान गार्ड निरीक्षण को तैयार। गार्ड कंधे सस्त। गार्ड संतरी खड़ा रहेगा। बाके विचार जन। हेलो भाई बढ़िया। आने दो आने। क्या जाते हैं? पीछे बनाइए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की सदस्य मंजू दिलेर का गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में आगमन हुआ। सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य का उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ और नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की सदस्य मंजू दिलेर ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की जो मूल समस्याएं हैं वो आज हमें देखने को मिली। मैंने देखा कि बस्ती में बिना सेफ्टी किट के सफाई कर्मी अपना कार्य कर रहे थे, जो कानून अपराध है। सफाई व्यवस्था गोरखपुर में अभी दुरुस्त नहीं है, जगह जगह कूड़ा है। कूड़े के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी और लोगों को जागरूक भी करना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर ने कहा, गोरखपुर के हैं लेकिन गोरखपुर के हैं तो बस्ती समय नहीं पाए कि आप आ जाए भाई। चाहते थे कि सबके साथ बस्ती भी जी माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हो चुकी है, मंत्री से वार्ता हो चुकी है। ये हम लोग ग्रामीण सफाई कर्मचारी से हम लोग प्रधान के माध्यम से फिर उड़ाता है और जान ही रही है क्या हो रहा है। चल रहा है लेकिन होना चाहिए प्रोसेस, दो हमारा पूरा हो गया और हमारा पुरानी पेंशन भी चाहिए। पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है। घर जाने के बाद रिटायर होने को नहीं मिला, जो मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारा नहीं है, उनका नहीं आया तो ये हो जाता तो सबका एक साथ मिल जाता तो ये आरोप नहीं लगता, तर्क विशेष नहीं रहता, हमारे विशेष की बात नहीं होती क्योंकि हम कर्मचारी नेता हैं तो हम समाज प्रचलन कम है। आप पहली बार हम लोग मुलाकात हो रहे हैं ना, इसके बाद हम लोग एक गुलाब का फूल दे बैठिए। मैं मंजू दिलेर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की सदस्य हूँ। आज यहाँ नगर निगम और नगर पालिका जनपद गोरखपुर के सभी नगर पंचायत कर्मचारियों के साथ बैठक करने और उनके अधिकारियों के साथ बैठक करने मैं आज गोरखपुर आई हूँ। कल रात को मैं यहाँ आ गई थी, काफ़ी प्रतिनिधि कर्मचारियों के मिले आकर यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं सफाई कर्मचारियों के लिए जो हमको देखने को भी मिली। अभी मैं एक बस्ती का विजिट करके आ रही हूँ, अधिकारियों के साथ अभी मीटिंग नहीं हुई है लेकिन एक बस्ती का विजिट करके आ रही हूँ। उस बस्ती में जो मैंने देखा कि वहाँ सफाई कराया जा रहा था लेकिन सफाई का काम विदाउट सेफ्टी किट कराया जा रहा था, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार कानूनन अपराध भी है। ग्लव्स मास्क और बूट और वर्दी के बिना हमको सफाई कार्य नहीं कराना है, जो कि यहाँ खुले में करा, मेरा जानकारी होने के बाद भी अवेयरनेस नहीं थी। मैंने भी फोटो खिंचाया, मैंने कहा देखो नंगे हाथों से महिलाएं काम कर रही हैं, कूड़ा जो भर रहा है
जो ठेली में कूड़ा डाल रहा है वो भी विदाउट ग्लव्स कर रहा है, जो कि कानूनन अपराध है। विदाउट सेफ्टी किट हम माने सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि विदाउट सेफ्टी किट हम किसी से काम नहीं कराएंगे। एक तो ये, दूसरा मैं गौरक्षक मंदिर भी गई और रसापुर बस्ती भी गई, लगभग आधे शहर में जाना रहा। मुझे जो देखने को मिला कि सफाई व्यवस्था अभी हमारे गोरखपुर में दुरुस्त नहीं है, जगह जगह कूड़ा है, या तो उसकी टीम तैयार नहीं है कि हमको कैसे सफाई व्यवस्था करानी है। प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है वो जो कर्मचारी पूरा उसको करता है, उसको मुझे लगता है कि उसकी समस्याओं का समाधान भी तुरंत होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी आपके सामने भी लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया, वो प्रदेश स्तर की समस्या है, उसको हम प्रदेश में रखेंगे। लेकिन यहाँ की जो मेन समस्या मुझे देखने को मिली वो कूड़ा है, जगह जगह कूड़ा कलेक्ट है। कूड़े के लिए हमको सही व्यवस्था करनी होगी, चाहे हम डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था करें या हमको अच्छे डस्टबिन्स रखवाएं, और लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा। मेरे यहाँ के स्वास्थ्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा मैडम 2 घंटे हमने सफाई करके जाते हैं उसके तुरंत बाद कूड़ा हो जाता है। तो हमने कहा कि स्लोगन्स लिखिए, जहाँ लोग कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं, कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, डाल रहे हैं घरों के बाहर, वहाँ स्लोगन्स लिखिए, डस्टबिन रखवाइए, डस्टबिन की संख्या बढ़वाइए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, उसको पूरा करना है तो हमको पहले अपने शहर की, अपने घर की सफाई करनी होगी, तभी हम उसको पूरा कर सकते हैं। मैडम सफाई के लिए नगर निगम काफ़ी प्रयास करता है और काफ़ी धन भी इसके लिए आता है। अभी जल्द ही 60 गाड़ियों का उद्घाटन हुआ है कूड़े उठाने के लिए, उसके बाद भी इस तरह की जो सुविधाएं मिल रही है। ठीक है कि धन भी खर्च हो रहा है, गाड़ियां भी 60 आ गई हैं, लेकिन व्यवस्थित होना चाहिए ना, व्यवस्था है उनको टीम के साथ। हमको जैसे कूड़ा एक बार उठकर चला गया, मैं आज अपना सजेशन दूंगी, अपना निर्देश दूंगी, एक बार मॉर्निंग में उठ गया, उसके बाद हमारा एक गाड़ी घूमता रहे कि कोई डाल रहा है तो उसको वापस डाल दिया जाए। कहीं ना कहीं अपने जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, कोई बड़ी जगह ऐसी हैं, बड़ी बस्तियां हैं, तो एक कैमरा ऐसा निर्धारित किया जाए, जो लोग डालते हैं जहां कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं रोड पे, वहां लिखा जाए कि कूड़ा डालता हुआ पकड़ा गया तो इतना जुर्माना होगा। कुछ इस तरीके का हमको करना जरूर पड़ेगा, तभी हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे। गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत भरवलिया गांव में बुधवार को हुई हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर एसपी दक्षिण विपुल कुमार श्रीवास्तव ने ग्रामीणों को समझाकर कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने फरार हत्या आरोपी और स्थानीय पुलिस के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया। मामला बेलीपार थाना क्षेत्र के बरवैया गांव का है, जहां बुधवार की सुबह गोली मारकर संत निषाद की हत्या कर दी गई थी। वहीं मृतक के परिजन संजय निषाद का कहना है कि हत्या आरोपी दिनेश निषाद इलाके का हिस्ट्री शीटर है, बावजूद पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करने से बचती है, जिसकी वजह से दिनेश निषाद ने हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला है। फिलहाल पुलिस ने शव को हटाकर दाह संस्कार के लिए भिजवा दिया है। गौरतलब है कि बुधवार सुबह को पुरानी रंजिश को लेकर बदमाश दिनेश निषाद ने अपने पटीदार संत निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं वारदात के बाद से हत्या आरोपी मौके से फरार हो गया। ऐसे में बृहस्पतिवार की सुबह परिजनों ने शव को गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंचे बेलीपार पुलिस और एसपी दक्षिणी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाकर जाम खुलवाया है। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बेलीपार थाने में तैनात उप निरीक्षक महेंद्र मिश्रा को निलंबित कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मृतक के परिजन संजय साहनी और एसपी दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, उनका स्टीचे एक भी केस तो उनके ऊपर है, उसके ऊपर 50-60 केस है, उसका एनकाउंटर नहीं होता है, सवा महीना सुरक्षा लगी थी, ऐसे वो सिलेंडर हो गया, वैसे सब लोग हट गए, हम सब लोग फिर आके 1.5 महीना मांगे यहाँ, फिर जिंदा सो गया। जब जब आ रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
मौजूद हूँ, कोई आज तक पकड़ नहीं पाया। कैंट थाने में सर गोली चली है और गोली बरामद भी हुई है, लेकिन कभी भी कैंट थाना दिखाया नहीं है ये कि गोली है, जो कि कैमरे में कैद थी। मैं मीडिया पे भी ये चीज उठाया अगली बार। ये भी पत्रकार आए थे, ये भी मतलब सब कुछ किए, लेकिन ये भी नहीं किए। बेंगलोर है, दिल्ली है, अगर कभी कल 10-15 दिन कोई काम होता है या कोई अनहोनी घट जाती है, किसी रिश्तेदार या पहचान के इसमें अगर शामिल होते हैं, उसी दौरान हत्या कर देता है। चिंता करेंगे कि अंतिम निर्णय हम जानना चाहते हैं कि उसके विरोध में क्या करेंगे, उसको मौत होने उसके विरोध में क्या करेंगे। वो सजा नहीं, वो सजा देगा कुछ भी नहीं पाएगा। आपने नहीं छोड़ा है, प्रशासन ने छोड़ा है। और कोई ठीक आपको मिलेगी और ये संत कुमार निषाद जिनकी हत्या इसने किया है, कल 5 लोग मिलकर किए हैं और कम से कम 10-15 फायरिंग किए हैं ये लोग, जिसमें से 4 गोलियां इनके सर पे और शरीर पे लगी हुई है। ऑन दिस स्पॉट इनकी मौत हुई है सर, ठीक है। और ये 307 का मुकदमा ऑलरेडी एक बार इसने कोशिश किया था, बाईपास रोड देवरिया बाईपास रोड संत कुमार के ऊपर हत्या का प्रयास भी किया था, जो कि मुकदमा दर्ज है, ठीक है। पुलिस प्रशासन पे अधिकारियों को इतना एप्लीकेशन दिया गया कि कोई ना कोई कार्रवाई करिए ताकि मेरी जान सुरक्षित रह सके, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने की वजह से आज उनकी हत्या हो गई है संत कुमार निषाद की। मेरा नाम संजय सानी है, मेरे ऊपर भी ये 2 बार हमला कर चुका है, ठीक है। अगला नंबर मेरा है, ठीक है। गाँव में 3-4 लोग और भी हैं जिनका ये नंबर लेकर बैठा है कि आज इसको मारेंगे कल उसको मारेंगे, और पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, खुला घूमता है। बस आतंकवादी घोषित नहीं कर रहे हैं लोग, कोई गिरफ्तारी करते नहीं है। कल यहाँ पे एक संत कुमार जी की हत्या कर दी गई थी, इसके संबंध में ग्रामीण जन और जो पारिवारिक जन है उनके द्वारा रोड पे 100 रख के कुछ मांग की गई। मांग में मुख्यतः मांग यही थी कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए और अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद इन लोगों ने जाम बॉडी को अपने हटवाया वहाँ से, अब परिस्थितियाँ सामान्य हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग कार्यालय में नगर निगम के अधिकारियों, ग्रामीण सफाई कर्मियों, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी अपनी बातों को रखा। मंजू दिलेर ने कहा कि सफाई कर्मियों को प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मिनिमम वेज मिलना चाहिए, जो हर क्षेत्र में रिवाइज होकर आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैनुअली काम कराना कानूनन अपराध है। प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन अगर कोई पूरा करता है तो ये कर्मचारी पूरा करता है। इन कर्मचारियों के लिए जो भी योजनाएं सरकार द्वारा आती हैं, इनके परिवार
मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने आज अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्त ऋषि कुमार, उपनगर आयुक्त अवनींद्र कुमार सिंह, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अखिलेश कुमार, डूडा के पीओ तेज कुमार, नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के अधिकारी सहित अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की सदस्य मंजू दिलेर ने कहा, और बड़े बड़े नाले गांव सभा में बड़ी बड़ी ग्राम सभाएं हैं, वहां घुस करके वो नाला साफ करते हैं। हम कई बार प्रदेश में अपने प्रमुख सीपीआरओ साथ को घुस रहे हैं 2 किलोमीटर तक हमारे ले जाते हैं। एक ठेला दिन भर में वो 3 बार से भी नहीं जा पाते, 2 बार से भी नहीं जा पाते। जो हम बता दिए ठेला ही वाली जेसीबी और टाली वाली गई है ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी की गई है, लेकिन जो उनको जो नाली जो साफ करते हैं उसमें जो सफाई के पैंक नहीं करते, अधिकतर कुछ सफाई तो है जो अभी ग्रामीण सफाई कर्मियों का जो शोषण हो रहा है ग्राम पंचायत स्तर पर, पेरोल व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है इसके बारे में कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बात सुन रही है। तकनीकी नहीं हो सकता, टेक्निकल हो सकता। हाँ स्वच्छता सैनिक, हाँ स्वच्छता सैनिक भी यहाँ हो सकता है। स्वच्छता सैनिक रहेगा तो हमारे सब नौजवान है अगर इनकी योग्यता नहीं अभी नहीं 28 मार्च 2017 में तो उन्होंने मुझे बताया था, मैडम हम लोग इसको प्रोसेस में ला रहे हैं, शिक्षा के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान करेंगे, जिसमें जो पढ़ा लिखा है उसको हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर या जो आगे जहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। मैडम बुला दिया जाता है कि यहाँ आप आइए और यहाँ आपको साफ सफाई करना है, तो ये भी एक मैडम ये बहुत बड़ी समस्या हमारे कि हम लोग ये चाहते हैं मैडम, जैसे मान लीजिए हमारा मैसेज हो गया नहीं अगर पहुँच पाया कर्मचारी उसका वेतन कट जाता है, ये मैसेज वाली व्यवस्था थोड़ी हो जो है समाप्त ग्रामीण क्षेत्र में है ना अगर वो व्हाट्सएप को नहीं देखा नहीं पहुंच पाया समय से तो उससे भी समस्या हो जाती है। ये व्यवस्था जैसे आप क्यों दे रहे हैं बैठे पूछ लीजिए, मैं पूछूंगी जब मैं पहले कर्मचारी को सुनूं तब तो बात करूंगी ना। आप हर चीज का उत्तर क्यों दे रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, पूछ लीजिए नहीं अधिकारी से जब मैं पूछूंगी तो वो बताएगा कि नहीं बताएगा, वो किस लिए जरूरी है वो करवा दीजिए जो होना चाहिए। हेलो भैया बैठ मत कर यार, अभी मुझे लगता है कि आप मुझे मीटिंग नहीं करने देंगे, हम चले जा रहे हैं मैडम, जाने की बात ही नहीं आई है, जो बात है कि आप बात नहीं समझे, आपको अपनी बात कहनी है, आपने अपना ज्ञापन दिया दूसरे को अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं है, हम एकदम मान रहे हैं, लेकिन जो काम हो गया है तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं अधिकारियों से पूछ, आप दिव्यांगों के प्रतिनिधि कौन है, आप है ना क्या है आपका डेजिग्नेशन क्या है, एडीओ पंचायत है आप भगवान से पूछूंगी तो आप बताएंगे नहीं क्या जो बात आप बोल रहे हैं बीच में, वही चुकना तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं, आप मैं उनसे पूछूंगी ना, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपकी बात हो अपनी बात करेंगे, दूसरा कोई बात बोलेगा तो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन का विषय है ही नहीं ना, विषय है कि जिसको जो अपनी बात कहेंगे सबको सुनने हैं, किसी में भी खाली नहीं है, जो अंदर बीटों में वार्डों में काम करते हैं कोई खाली नहीं है, टोटल कितना कर्मचारी है हमारा आप बताइए, आउटसोर्सिंग के 2600 कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी 883 है, ये टोटल संख्या है मान रखी है, आप बैठ जाइए जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्तर्षि
डिस्टर्ब मत करिए, कर बैठिए। मैडम नमस्ते, आप जिला सचिवालय ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ महिला अध्यक्ष मैम 3045 3085 टोटल स्ट्रेंथ है 85। क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, कौन सी अजीत पर रखे हैं? 3110 बाकी सब से तो इसके लिए आपने बोला नहीं कि इसको फिल करने की शासन से अनुमति नहीं मांगी? अनुमति मांगी थी मैडम, लेकिन वहाँ से अनुमति नहीं मिली। कब मांगी थी? पिछली भी गवर्नमेंट में मांगा था। ड्यूटियाँ चेंज होती होंगी, स्वच्छता पकड़ा है या कुछ तभी तो आप लोग उनका ये कहना है कि जो मैसेज के द्वारा हमको सूचना आती है वो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैसेज हमको नहीं मिल पाया और हम वहाँ नहीं पहुँचे तो हमको निलंबन का या और भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो या तो मुझे लगता है कि विभाग सबको फोन उपलब्ध करा दें। आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य होने के नाते मैंने यहाँ बैठक किया, समीक्षा बैठक थी अधिकारियों के साथ, लेकिन सीएम साहब के दौरे के कारण जिले स्तर के सभी अधिकारियों के साथ नहीं हो पाई। कुछ ही अधिकारी यहाँ रहे, नगर पालिका, नगर पंचायत, आपके जनपद गोरखपुर और निगम गोरखपुर के सभी कर्मचारियों के साथ मेरी यहाँ लगभग मीटिंग हुई, उनकी जो समस्याएं थी उनको मैंने सुना और उसके बाद अधिकारियों से बात हुई। तो जो शहरी क्षेत्र में अनियमितताएं देखने को मिली वो सबसे बड़ी ये मिली कि जो आउटसोर्स का कर्मचारी है जिसका 3-3 महीने वेतन पेंडिंग रहता है जो नहीं होना चाहिए, रात और दिन मेहनत का काम करता है और वो भी उसको हम पूरा मेहनताना नहीं दे रहे, मिनिमम बेस यहाँ गोरखपुर नगर के अंदर पूरा नहीं मिल रहा है जो एक बड़ा दुख का विषय है। मैंने आज निर्देशित किया जो स्टेट गवर्नमेंट का मिनिमम बेस है वो इनको मिलना चाहिए जो कि हर 6 महीने में रिवाइज होकर आता है। दूसरा, सेफ्टी किट के बिना हम लोग यहाँ काम करा रहे हैं, यहाँ निगम काम करा रहा है। मैंने स्वयं भी कर्मचारियों को विदाउट सेफ्टी किट काम करते हुए देखा, ग्लव्स, मास्क, बूट होना चाहिए जो नहीं है, मैकेनाइज जहाँ नालों की सफाई वगैरह है मैकेनाइज होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि वो हम मैकेनाइज करा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये रहा कि मैकेनाइज अभी नहीं है, जेसीबी के द्वारा नहीं, मैनुअली हम करा रहे हैं जो कि कानूनन अपराध है। मैनुअली हमको किसी को भी नाले में सीवर में नहीं उतारना है, किसी भी तरह का मैनुअल काम नहीं कराना है, ये मैंने आज निर्देशित किया कि इस तरीके से हमको नहीं कराना है। दूसरा, साल में 365 दिन चलने वाला महत्वपूर्ण काम है, प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन को अगर कोई पूरा करता है तो यही कर्मचारी पूरा करता है। इस कर्मचारी के लिए जो भी योजनाएं सरकार की आती हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वरोजगार योजनाएं हो, इनके लिए मिलना बहुत ज़रूरी है, इनके परिवारों को मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आज मैंने निर्देशित किया, देश के प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं गरीब की, दलित की, तो उसकी चिंता में यहाँ के अधिकारियों को भी अवेयर रहना होगा और इनकी चिंता करनी होगी। इनके लिए जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान समय समय से करते हुए इनके लिए जो योजनाएं हैं उनका लाभ इनको देते रहना होगा। शाहपुर बस्ती में आज मैंने विजिट किया, वहाँ देखने को मिला कि जब पहले से निर्धारित था कि मैं वहाँ जाऊँगी तो सफाई व्यवस्था थी, लेकिन सड़क वहाँ नहीं है, लाइट वहाँ पिलर नहीं है, लोगों ने बांस पे तार डाल, बांस के सहयोग से तार डाल रखा है जो कि सही नहीं है। मैंने ये निर्देशित किया कि वहाँ तुरंत सड़क की व्यवस्था कराई जाए और लाइट के पोल वहाँ लगवाए जाएं। आज हमने एक ही जगह निरीक्षण किया क्योंकि सुबह में कोई कर्मचारी आ नहीं पाया था, अधिकारी भी थोड़ा देर से आना हुआ क्योंकि सीएम साहब का दौरा होने के कारण आज थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं रहा। हम लोगों मैंने आज कहा है कि करीब 1 महीने बाद हम दोबारा से यहाँ
निरीक्षण करेंगे और समीक्षा बैठक जिले स्तर के सारे अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट या जहां भी स्थान तय होगा वहां करेंगे। मंदिर पे सफाई कर्मियों को नहीं देखा, मंदिर जाते समय रास्ते में सफाई कर्मियों को देखा जो कि विदाउट ग्लव्स विदाउट मास्क काम कर रहे थे। कानूनन अपराध है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार कोई भी ग्लव्स और मास्क के बिना काम कराना नहीं है। मैडम सफाई कर्मियों के वेतन कितना निर्धारित? वेतन मिनिमम वेज यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट का है अभी का 295 है और यहाँ दे रहे हैं 259 जो कि गलत है। हमने निर्देशित किया कि उसको 295 ही मिनिमम बेस मिलना चाहिए। नहीं अभी क्योंकि आज कर्मचारी को उस मीटिंग में नहीं बुलाया था, आज कर्मचारी मीटिंग के बाद आए। अगर 295 मिलता है तो निश्चित ही मान लीजिए कि मैं स्वयं कहूंगी कि उस पर FIR होनी चाहिए ऐसे ठेकेदार पर। अगर अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है तो ऐसे अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में कर्मचारियों की स्थिति ठीक है, उन्होंने जो बताया कि थोड़ा सा उनको समस्या है जो प्रदेश स्तर की समस्या है, जैसे पेरोल पे जो साइन करने का सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं उनके साथ समस्या उत्पन्न रहती है, वो शासन स्तर की जो समस्याएं थी उसके लिए हम शासन को लिखेंगे। मैडम कूड़ा के लिए जो निस्तारण की जो है वो व्यवस्था भी पर्याप्त बन नहीं पा रही, उसके लिए क्या? उसके लिए हमने कहा कि कूड़ा के लिए एक डंपिंग ग्राउंड अच्छे से होने चाहिए, उसके निस्तारण के लिए उससे हम और भी काम कर सकते हैं, गैस बनाई जा सकती है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए मैंने आज निर्देशित किया कि कूड़ा कलेक्शन का एक स्थान निर्धारित किया जाए। जैसा बताया मीडिया के बंधुओं ने भी बताया कि कूड़ा रोड पे डाल दिया जाता है, उसके लिए एक सही स्थान सुनिश्चित स्थान होना चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का हुआ आगमन, बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आगामी लोकसभा 2019 चुनाव तथा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम योगी ने की मैराथन बैठक। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर ने वार्डों का किया निरीक्षण, बिना सेफ्टी किट के काम कर रहे सफाई कर्मियों को देख हुई चिंतित, कहा गोरखपुर में नहीं है सफाई व्यवस्था दुरुस्त। बुधवार को बेलीपार थाना क्षेत्र के बलवरिया में हुई हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने किया हाईवे पर शव रखकर जाम, एसपी दक्षिण विपिन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन देकर खुलवाया जाम। बेलीपार थाने में तैनात उप निरीक्षक महेंद्र मिश्रा को SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया निलंबित। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर ने नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायत के कर्मचारियों के साथ किया समीक्षा बैठक, कहा सफाई कर्मियों को मिले मिनिमम वेज, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। RPF ने कराया बच्चों के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्य समस्याएं एवं उनके निराकरण विषय पर सेमिनार, मुख्य वक्ता ने कहा बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था करना प्रत्येक नागरिक का है कर्तव्य। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने आयोजित की प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की सदस्य मंजू दिलेर ने बतौर मुख्य अतिथि किया शिरकत, रिटायर्ड ऑफिसर्स और अधिकारियों के साथ हुआ विचार विमर्श। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिक्षा एवं मूल्य विषय पर आयोजित हुई विशिष्ट व्याख्यान माला, वक्ताओं द्वारा शिक्षा और मूल्य को किया गया परिभाषित। और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य से मिले सफाई कर्मी, बताई अपनी समस्या, मिला उचित कार्रवाई का आश्वासन। अरकम सी ट्रेवल्स आरे खान मार्केट के निकट मदीना मस्जिद रेती चौक आपके लिए लाए हैं उमराह का खूबसूरत मौका। आप घर बैठे ही उमराह की सारी तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चों में। साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोहफे में हर हाजी को 3 बैग और 1 एहराम दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की।
राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर आईसीयू, एनआईसीयू और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए आईवीएफ, इक्सी, IUI, लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें और सिटी स्कैन, 2D, इको और पेस मेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल विहार, मेडिकल कॉलेज रोड, चरगांव, गोरखपुर। हेल्पलाइन नंबर 7706900028। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। बात करके देखते हैं ना, बात करनी चाहिए बात। अमू बात बात ऐसी है कि एक बार बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। अब मुझे ऐसा लगता है अमृता कि होता है, हो जाता है। समझता बेटर है। मैं क्या कह रहा था? ममू तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। कभी ना कभी तो बात करनी थी। नहीं, टाइम आ गया है, हमें बात करनी चाहिए। हाँ है ना पापा? हाँ? किससे बात कर रहे हो? अम्मू किसी से नहीं। ओ वो मेरी अम्मू अब बड़ी हो गई है ना, तो इसीलिए मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। इस डॉटर्स डे लेट्स टॉक पीरियड्स। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर में बच्चों के प्रति हमारी मौलिक कर्तव्य समस्याएं एवं उनके निराकरण विषय पर बृहस्पतिवार को एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। डॉक्टर एस के सैनी, उप महानिरीक्षक सह
मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का उद्घाटन किया। सेमिनार में मुख्य वक्ता डॉक्टर मुमताज खान, पूर्व सदस्य चाइल्ड वेलफेयर कमेटी गोरखपुर, ने कहा कि संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अधीन बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने रेलवे स्टेशन एवं गाड़ियों में भूले भटके बच्चों को रेलवे सुरक्षा बल के जवान द्वारा उनकी मदद करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दिया। अमरपाल जोशिया, प्रधानाचार्य रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर, ने सेमिनार में उपस्थित अतिथियों एवं जवानों का स्वागत किया। सेमिनार में पूर्वोत्तर रेलवे रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य थे। सेमिनार का संचालन श्री संजय कुमार मिश्र, मुख्य व्यायाम प्रशिक्षक रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर ने किया। जिला पंचायत के सभागार में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बेचन राम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर का पार्टी के पदाधिकारियों ने पुष्प देकर स्वागत किया। अनुसूचित जाति सम्मेलन में प्रबुद्ध वर्ग के रिटायर्ड अधिकारी, बैंककर्मी, कर्मचारियों से विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन में पार्टी को मजबूत बनाने और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए मंथन किया गया। सम्मेलन में अनुसूचित जाति मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री छोटेलाल पासवान, क्षेत्रीय कार्य समिति के सदस्य राम शरण धारिया, जिला अध्यक्ष राम दुलारे, कृष्ण कुमार, अनुराग बांझवार, राम दुलारे, हरिनाथ सहित क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग सम्मिलित हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर ने कहा, आइए स्वागत आपको करेंगे। स्वागत करें। इस उत्साहवर्धन भाई जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मंजू दिलेर जी का स्वागत करके पूछ पूछ देंगे। हमारे बीच में क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनकरजी से आग्रह है कि थोड़ा जोरदार तालियों से स्वागत करें। जिला अध्यक्ष आदरणीय राम दुलारे जी, आदरणीय जो उत्तर प्रदेश सरकार में SFT आयोग के सदस्य हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम 30 तारीख को कुशीनगर जनपद में है और बहन जी का जो हम लोग की मुख्य अतिथि हैं और खानदानी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कालखंड से ही जिनका परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ और जिनके दादा हमारे भी अभिभावक थे, कृष्णलाल दिलेर जी जो अलीगढ़ धरती के महान सपूत थे, जिनके साथ मुझे भी दो बार विधायक रहने का अवसर मिला था, और आपके दादा श्री स्वर्गीय कृष्णलाल दिलेर जी 5 बार विधायक थे और 4 बार देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा से MP थे, और आपके पिताश्री आज यह उत्तर प्रदेश सरकार और विधानसभा में यह वरिष्ठ विधानसभा सदस्य हैं। आपके बारे में मैं बहुत बढ़ा चढ़ा कहता हूं तो सूरज को दीपक दिखाना है, क्योंकि आपके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपका परिवार भारतीय जनता पार्टी के गठन से पहले माननीय
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न, भारत के प्रधानमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और उत्तर प्रदेश के सफल मुख्यमंत्री रहे माननीय कल्याण सिंह जी के मित्रों में से एक थे आपके दादाजी। तो आपके बारे में यह कहना कि मंजू दिलेर जी तो उम्र में बहुत कम लग रही हैं, लेकिन साथियों आपका परिवार भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठतम परिवार है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए, भारत में देखा जाए, तो जब भारतीय जनता पार्टी को और जनसंघ को सैकड़े वोट मिलता था उस समय जो आपके दादाश्री उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुन करके जाते थे माननीय कल्याण सिंह जी के साथ, ऐसे ऐसे जो आप परिवार की बेटी हैं आपका मैं गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर और कबीर संत कबीरदास की निर्माण स्थली और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली पर आपके आगमन पर हम सभी कार्यकर्ता जो प्रबुद्ध वर्ग से संबंधित हैं, अनुसूचित समाज से संबंधित हैं, आपका हृदय से हम लोग सम्मान करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी जैसे कार्यकर्ता वे समाज के प्रबुद्ध वर्ग से आए सभी महानुभावों को नमस्कार प्रणाम और आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस सभागार में मैं करती हूँ। माता की बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, मंजू दिलेर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समय का अभाव के कारण बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं को ना सुन पाने का अफसोस मुझे सदैव रहेगा। गोरखपुर जनपद में प्रबुद्ध वर्ग का जो सम्मेलन है, मुझसे पहले वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा की, देश के प्रधानमंत्री जी के विषय में विस्तार से बताया, योजनाओं के विषय में बताया, दूसरी पार्टियों की पॉलिसी क्या रही और कैसी होनी चाहिए उस पर चर्चा की। लेकिन आज जो वर्ग इस सभागार में है उस वर्ग के लिए मैं कोई निर्देश कोई संदेश नहीं देने आई, मैं सिर्फ ये जानने आई हूँ कि वो हमारा प्रबुद्ध वर्ग जो समाज को दिशा और दशा देता है उसी सोच के अनुसार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने काम किया। तो आप जरूर समाज में यहाँ से जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ उस मैसेज को दें। अगर आपको लगता है कि उस उद्देश्य पर उस दिशा में अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं किया तो जरूरी नहीं है कि आप कोई मैसेज समाज में दें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो संगठन की रीढ़ रखी, संगठन को जो गढ़ा, उन्होंने जो विचार भारतीय जनता पार्टी के रूप में समाज को दिया वो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी तो है, राजनीतिक संगठन तो है, लेकिन एक विचारधारा है। वो विचारधारा जो मानव के बीच में काम करती है, समाज के बीच में काम करती है, जाति पाति का भेद भुलाकर काम करती है, वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दी। उस विचारधारा के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। बहुत देर से यहाँ चर्चा हो रही थी कि बाबा साहब जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने उनको हराने का काम किया, बाबा साहब का जब शरीर पूरा हुआ तो उनको दो गज जमीन भी कांग्रेस सरकार ने मुहैया नहीं कराई। क्या हम ऐसी सरकारों को लाना पसंद करेंगे जिन्होंने 50 से लेकर 60 वर्षों तक इस समाज का शोषण किया, इस समाज से वोट इकट्ठा किया और हमारे बाबा साहब हमारे पूजनीय बाबा साहब के जो इस स्थल पे जिनका जीर्णोद्धार मुझे लगता है कि बरसों पहले होना चाहिए था उसके लिए किसी ने विचार तक नहीं किया। के बीच में आएंगे क्योंकि ये समाज अब जाग चुका है, पढ़ा लिखा समाज है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उस संविधान में जिनका अधिकार है तो बाबा साहब की
ये भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चे का गोरखपुर क्षेत्र का सम्मेलन था। इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चे का प्रमुख वर्ग का सम्मेलन था। इस सम्मेलन में जितने भी अपने रिटायर्ड अधिकारीगण रहे, बैंकों में रहे, रिटायर्ड अपने ऑफिसर्स रहे, उन सब के साथ आज विचार विमर्श करने का कार्यक्रम था। देश के प्रधानमंत्री जी 2019 में दोबारा से हमारे प्रधानमंत्री बने, ऐसा विचार भारतीय जनता पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमको दिया, संविधान में जो अधिकार दिए, उस अधिकारों को अगर कोई रोक रहा था तो दूसरी सरकारें रोक रही थी, उन अधिकारों को पूरा दिलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसीलिए आज अपने प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठक मीटिंग की और उसमें ये संदेश दिया कि हमको दोबारा से प्रधानमंत्री जी को लाना है ताकि हमारी स्वतंत्रता, हमारी सुरक्षा आगे हमेशा के लिए बनी रहे। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा गुरुवार को शिक्षा एवं मूल्य विषय पर विशिष्ट व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। विशिष्ट व्याख्यान की मुख्य अतिथि प्राचार्य एलटी शिक्षण कॉलेज की प्रोफेसर सुमित्रा सिंह ने माँ सरस्वती, महाराणा प्रताप और दिग्विजयनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर व्याख्यान का शुभारंभ किया। महाविद्यालय के डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्र ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। महाविद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर मुख्य अतिथि का अभिवादन किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि ने शिक्षा और मूल विषय पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। इस अवसर पर डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर राज शरण शाही, डॉक्टर रुकमणी चौधरी, डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह सहित महाविद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तत्पश्चात ब्रह्मीन महंत एवं महाराणा प्रताप शिक्षा शास्त्र विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर जागृति विश्वकर्मा जी से आदरणीय वीणा मैम से मैं निवेदन करता हूँ कि मुख्य अतिथि का उत्तरी रेखा सम्मान जय 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 हे वीणा वादिनी शिव कल्याणी मातु भवानी शांति स्वरूप की दीप जला दे रूम रूम संगीत जगा दे शांति स्वरूप की दीप जला दे रोम रोम संगीत जगा दे सप्त सुरों की तू महारानी घर आंगन हो गया है पावन धन्य है भाग्य हमारे रिड़ी आपका हुआ आपका हुआ हमारा विद्यालय परिवार कैसी करी श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। आज का विषय है शिक्षा और मूल्य। सबसे पहले हम ये जान लें कि मूल्य क्या है। मूल्य जीवन की एक ऐसी अवधारणा है जो हमारे जीवन के पथ को प्रदर्शित करता है। अब एक प्रश्न यह है कि क्या हमारा जीवन मूल्यवान है कि नहीं। क्या हम जो जीवन जी रहे हैं यही शिक्षा है। क्या हमारा जीवन सब प्रकार से संतुलित है। क्या हमारे जीवन में हमारे जीवन शिक्षा को मूल्य से जोड़ दिया जाए तो जीवन का संतुलन प्राप्त हो जाएगा। मेरे विचार से कि शिक्षा तो स्वयं एक मूल्य है। आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है कि शिक्षा को
शिक्षा मूल्य विहीन हो रही है या शिक्षा को मूल्यवान होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा में वह कौन सा मूल्य सम्मिलित नहीं है जिस मूल्य की जीवन में आवश्यकता होती है। शिक्षा क्योंकि जीवन पहले, आप सभी जानते हैं कि पहले आप देखते हैं कि बगीचे में एक पुष्प को देखते हैं तो पुष्प का एक पेड़ होता है और बाद में उसने फल आते हैं। तो मेरे विचार से पहले जीवन होना चाहिए और वही मूल्ययुक्त जीवन। तो जब जीवन होगा तो निश्चित रूप से उसमें मानवीय मूल्य समाहित होंगे। तो पहले मूल्य की बात किया जाए क्योंकि जीवन, क्योंकि जब जीवन मूल्यवान होगा तो शिक्षा तो स्वयं मूल्यवान है। तो जब जीवन मूल्यवान होगा उसमें मानवीय गुण समाहित होंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन में वह गुण समाहित होंगे जिसकी शिक्षा को अपेक्षा है। शिक्षा तो उस पुष्प के गंध की भांति है जो सर्वत्र अपनी सुगंध बिखेरती है। आज अनेक वैज्ञानिक प्रगति के कारण वैज्ञानिक और आधुनिकता की होड़ ने हमारे जीवन को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि हमारा जीवन मूल्यों से विरत होता जा रहा है। मूल्य हमारे जीवन से तिरोहित होते जा रहे हैं क्योंकि एक उदाहरण आप देख ले सकते हैं कि एक कपूर जो आप जलाते हैं पूजा स्थल पर, कपूर को जब हम जलाते हैं तो वह दिखाई, उसकी ज्योत दिखाई नहीं देती है लेकिन उसकी सुगंध वातावरण में चारों तरफ अपनी सुगंध को बिखेर देता है। हमारे प्राचीन भारतीय समाज के मूल्य भी ऐसे थे जो हमारे जीवन में रचे बसे थे लेकिन आज वे मूल्य हमारे जीवन से तिरोहित होते जा रहे हैं। वे मूल्य हमारे जीवन में, उन मूल्यों का विलोपन हो रहा है। आज क्या कारण है कि हमारे जीवन में मूल्यों का अभाव है? क्योंकि आज हम सभी के मन में स्वार्थपरता, अपने लिए सब कुछ, दूसरों के लिए कम, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं, तो ये भावनाएं जब हमारे मन मस्तिष्क में होगी तो निश्चित रूप से हमारा मूल्यों से लगाव कम होता जाएगा। मूल्य हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से समाप्त होने लगेंगे क्योंकि शिक्षा समाज का दर्पण होता है और मूल्य उसके प्रतिबिंब होते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर ने गुरुवार को नगर निगम के ड्राइवर और सफाई कर्मियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मुलाकात किया। इस मुलाकात के दौरान मंजू दिलेर ने सफाई कर्मियों और कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को बताते हुए कहा कि हमें समय से वेतन नहीं मिलता और बिना किट के ही नालों की साफ सफाई कराई जाती है, जिस पर मंजू दिलेर ने खेद जताते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्य करवाने का निर्देश दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम के ड्राइवर और सफाई कर्मचारियों ने कहा। हम भी आ रहे हैं।
हेलो भैया, क्या नाम है? बारी पढ़ना चाहता है, पढ़ाने के लिए आप लोग चिंता कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, ऐसे ही उनको भी काम कराना है। परिचित हैं, वो लोग बोलते हैं अगर ना भी आना चाहे तो हम लोग विषय एडमिशन करा सकते हैं। चार महीने से बच्चे का फीस देने के लिए जाने नहीं पा रहे हैं हम लोग। तीन टाइम काम करा रहे हैं, क्या बात है? स्कूल में बोला जा रहा है निगम का कर्मचारी हम लोग, तो आपको क्यों जानकारी नहीं? ये तो ड्राइवर है, ये तो हमको कोई बात नहीं है तो कर्मचारी वही का, चाहे ड्राइवर हो या सफाई कर्मचारी हो, अभी हम लोग तो चार महीने का वेतन तो ऐसे 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 कॉन्ट्रेक्टर को निकाल के बाहर खड़ा करिए ना। स्कूल से बच्चों को निकाला जा रहा है, ये सब कौन देखेगा उनका? इधर उधर से काम कर मिला, सुबह से शाम तक काम करना। ये आप तुरंत करा दीजिए। कितने लोग हैं आप? हम लोग तीन लोग। 135 ड्राइवर है, तो आप इनका कराइए ना तुरंत, वो तो बाहर कर दीजिए, साथ खराब हो जाएगा उनका। दोपहर बाद में काम कराया जाता है, रात में भी काम कराया जाता है, तीन तीन शिफ्ट लिया जाता है ड्राइवरों से काम। तुरंत इसको कराइए, इनका वेतन मुझे करने के बाद आप बताएंगे, ठीक है? वो हर महीने का तो होगा ही, लेकिन अभी पहले तीन महीने का करा के तुरंत बताना है कि आपने करा दिया चार महीने का। और आप लोग बच्चे को पढ़ाइए, काम कर लीजिए शिक्षा के आधार पे, जो पढ़े लिखे लोग जो सूची है नगर निगम की वो बना लीजिए, शिक्षित कर्मचारियों का सूची बना लीजिए, शिक्षा प्लस सीनियरिटी, वो सूची बनाकर एक बार हमको उपलब्ध करा दीजिए। पता तो रहे कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कहाँ कैसे काम कर रहा है, ठीक है? चलो बच्चे कार्ड दे दीजिए भारत जी, ठीक है बच्चे निकाल लो। मोहम्मद आरिफ। कहाँ काम करते हैं? हम नगर निगम के ड्राइवर हैं, आरसोसिंग सिविल लाइन फर्स्ट में काम करते हैं। अपनी शिकायत लेके मैडम के पास आए हैं। क्या शिकायत थी आपने? ये तनख्वाह के लिए, तनख्वाह हमको चार महीने से मिली नहीं है। मैडम बोली कि एक हफ्ते तक दिलवा देंगी। क्या लग रहा है? अब देखिए मिले कितना पैसा मिलता है हमको? मिलता है 5800। वो भी बकाया है? वो भी बकाया है, टाइम से मिलता नहीं है, चार महीने के बाद, छः महीने के बाद, पूरी साल का ऐसा ही है, कोई नियम नहीं है। मेरा नाम कमल भारती है, मेरा वार्ड नंबर 35 है, मैं नगर निगम का कर्मचारी हूँ, इसमें काम करता हूँ, मैं बीए किया हूँ। और इस मैडम बोली है कि इस समय बैठक थी बुलाई है और कही है कि पढ़ने के अनुसार काम किया जाएगा। और हम लोग का तनख्वाह बहुत कम आता है, अक्टूबर में 4550 रुपया आया था, हम लोग शिकायत लिख गए थे, वहाँ शिकायत नहीं सुना गया। और ठेकेदार साहब कहें कि ये अभी रिफंड नहीं हो पाएगा पैसा, अब बाद में दिया जाएगा, बाद में अभी तक नहीं आया। फिर भी 5800 में हम लोग को 26 दिन का 5600 मिलता है, 216 रुपया के हिसाब से देते हैं ये तनख्वाह। और नाली में घुसने के लिए नहीं कहते, नाली में घुसा देते हैं हमेशा, पैर कट जाता कभी का, फिर भी हम लोग कुछ कहते नहीं हैं। और देर से हमेशा तनख्वाह मिलता है, आधा महीना बीत जाता तब तनख्वाह मिलता है। अच्छा, जो सफाई करने के लिए जो ग्लास वगैरह जूता तो मिलता है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला हम लोग, बस यही ड्रेस मिला है, बाकी सब अपने तरफ से खरीद खरीद कर हम लोग पहनते हैं, जूता भी है, मास्क भी पहनते हैं, ग्लास वलोस नहीं खरीदे। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का हुआ आगमन, बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आगामी लोकसभा 2019 चुनाव तथा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम योगी ने की मैराथन बैठक। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के सदस्य मंजू दिलेर ने वार्डो का किया निरीक्षण, बिना सेफ्टी किट के काम कर रहे सफाई कर्मियों को देख हुई चिंतित, कहा गोरखपुर में नहीं है सफाई व्यवस्था दुरुस्त। बुधवार को बेलीपार थाना क्षेत्र के बलवरिया में हुई हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने किया हाईवे पर शव रखकर जाम, एसपी दक्षिण विपुल कुमार श्रीवास्तव ने आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन देकर खुलवाया जाम। बेलीपार थाने में तैनात उप निरीक्षक महेंद्र मिश्रा को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया निलंबित।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की सदस्य मंजू दिलेर ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के कर्मचारियों के साथ किया समीक्षा बैठक। कहा, सफाई कर्मियों को मिले मिनिमम वेज, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आरपीएफ ने कराया बच्चों के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्य, समस्याएं एवं उनके निराकरण विषय पर सेमिनार। मुख्य वक्ता ने कहा, बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था करना प्रत्येक नागरिक का है कर्तव्य। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने आयोजित की प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की सदस्य मंजू दिलेर ने बतौर मुख्य अतिथि किया शिरकत। रिटायर्ड ऑफिसर्स और अधिकारियों के साथ हुआ विचार विमर्श। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिक्षा एवं मूल्य विषय पर आयोजित हुई विशिष्ट व्याख्यानमाला। वक्ताओं द्वारा शिक्षा और मूल्य को किया गया परिभाषित। और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की सदस्य से मिले सफाई कर्मी, बताई अपनी समस्या, मिला उचित कार्रवाई का आश्वासन। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।